मध्य प्रदेश की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने के सपने दिखाकर देह व्यापार की दलदल में झोंकने वाले नागपुर के दलाल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी ने बेलतरोड़ी के मनीष नगर में डेस्टिनी नामक होटल में कमरा बुक करा रखा था और यहां ग्राहकों को भेजकर युवती से देह व्यापार कराता था। पुलिस के अनुसार 31 वर्षीय आरोपी विक्की पदमवा देह व्यापार का बड़ा दलाल है। देह व्यापार की इस दलदल में आरोपी विक्की इससे पहले भी गरीब परिवार की कई कम उम्र की लड़कियों व स्कूली छात्राओं को झोंक चुका है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की युवती के साथ भी उसने यही किया। मध्य प्रदेश के पांडुना जिले की एक 21 वर्षीय युवती को मुंबई जाकर मॉडल बनना था। मॉडलिंग के साथ ही फिल्मों में काम करने का वह सपना देख रही थी। विक्की पदमवार के संपर्क में युवती आ गई। विक्की ने युवती से कहा कि उसकी मुंबई में कई फिल्म निर्माताओं से जान पहचान है। उसने युवती को जल्द फिल्मों में काम दिलाने के लिए पैसे का इंतजाम करने की बात की। जल्द पैसे कमाने के लिए आरोपी विक्की ने उसे देह व्यापार की दलदल में झोंक दिया। युवती को ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। युवती को मनीष नगर स्थित डेस्टिनी होटल में रखा। होटल में विक्की ग्राहक भेजता था। युवती पैसे की आवक होने के बाद अपना सपना भी भूल गई। इस बारे में सामाजिक सुरक्षा दस्ते की निरीक्षक शुभांगी वानखेड़े को गुप्त सूचना मिलने पर उन्होंने छापे से पूर्व एक नकली ग्राहक को डेस्टिनी होटल में भेजा। विक्की ने नकली ग्राहक से युवती के लिए 8,000 रुपए में बातचीत की। नकली ग्राहक ने विक्की को 8,000 रुपए नकद दिए। उसे युवती के कमरे में भेजा गया। युवती के कमरे में जाते ही पंटर ने मौका पाकर पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस दस्ते ने युवती को हिरासत में ले लिया और आरोपी विक्की के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 52,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आम्ही काल केलेली आहे, रात्रीच्या दरम्यान केलेली आहे आम्ही ही कारवाई। डेस्टिनी हॉटेल आहे, आशीर्वाद नगर, आपलं मनीष नगरमध्ये आहे डेस्टिनी हॉटेल। त्या हॉटेलच्या याच्यात कारवाई केलेली आहे। इथे एक दलाल यायचा, दलाल जो आहे तो मुली प्रोव्हाइड करून द्यायचा बाकीच्या कस्टमरला। जसे कस्टमर येतील त्यांना ते कस्टमरने डिमांड केली की हा त्यांना मुली प्रोव्हाइड करून द्यायचा। मग तशा प्रकारची आम्ही माहिती मिळालेली होती आम्हाला, याच्यानुसार आम्ही कारवाई केली। तर याच्यामध्ये आम्हाला दलालसुद्धा मिळालेला आहे आणि एक पीडिता पण मिळालेली आहे। दलालाचं नाव आहे विक्की राजू पदमवार, वय 30 वर्ष, राहणार हुडकेश्वर। हा 2020 पासून हेच कामं करायचा, याच धंद्याचे याच्यात। त्याच्यामुळे ते कस्टमरचे जे रेफरन्स असतात तिकडूनच त्याला दुसरे कस्टमर मिळायचे। आणि जी मुलगी असायची विक्टीम, एक मुलगी दुसऱ्या मुलीला हे करायची, तशा प्रकारे त्याला दुसऱ्या मुली पण मिळत गेल्या आणि अशा प्रकारे त्यांचा ते धंदा त्याचा सुरू झालेला होता। आता या हॉटेलमध्ये तो मुली प्रोव्हाइड करायचा प्रत्येक वेळेला, ऍज अ गेस्ट म्हणून सांगायचा, एंट्री वगैरे करायचं हॉटेलमध्ये आणि अशा प्रकारचं त्याचा व्यवस्थित तो धंदा सुरू होता। असं तो इतरही हॉटेलमध्ये कदाचित करत असेल त्याचा तपास आम्ही करीत आहोत। ही जी पीडिता आहे, ही पीडिता मध्य प्रदेशमधून आलेली आहे। पांडुर्णा गावातली ती राहणारी मुलगी आहे ही, आणि हिचं वय 21 वर्ष आहे। ही पण 19-20 वर्षापासून या धंद्यामध्ये लागलेली आहे आणि हिचं घरचं जे आहे ही बेताचीच परिस्थिती होती। मग हिनी म्हणून मॉडेलिंगचं एक हे करायचं म्हणून ती नागपूरला यायची। बाकी शिक्षण वगैरेचं पांडुर्णा मध्य प्रदेशमध्येच होतं आणि शिक्षणाचं इव्हेंट करायला, मॉडेलिंग करायला या उद्देशाने यायची। ते फोटो सेशन मस्त फ्रीलान्सरचं, तशा प्रकारचं ती मॉडेलिंग करायची। आता या धंद्यामध्ये मग तिला थोडंसं याच्यात इझी मनी वाटायला लागलं आणि घरची परिस्थिती खराब असल्यामुळे मग ती या धंद्यामध्ये आलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज, नागपूर।